हेलो, वेलकम बैक बच्चों। अभी आपको मैंने माय फैमिली के बारे में बताया है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं, जो कि जब आपके आगे कॉन्वर्सेशन का ओरल एग्ज़ाम होगा तब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको माय फैमिली के क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। तो वो क्वेश्चन कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, मतलब आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? देयर आर, और जितने भी आपके घर में मेंबर्स हों आपको उतने नेम उसको काउंट बताना है। तो जैसे देयर आर फोर मेंबर्स इन माई फैमिली, जैसे मेरी फैमिली में फोर लोग रहते हैं तो मैंने बोला फोर, तो देयर आर फोर मेंबर्स इन माई फैमिली। तो इसी तरह आपके घर में जितने मेंबर्स होंगे आपको उतना काउंट करना है। किसी के घर में फाइव होंगे, किसी के घर में सिक्स होंगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको देयर आर फाइव मेंबर्स इन माई फैमिली, और जिसके यहाँ सिक्स है तो वो बोलेगा देयर आर सिक्स मेंबर इन माई फैमिली, या जितने भी मेंबर्स होंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग काउंट करके आपको नंबर्स बताना है। ओके, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, कि आपके फैमिली का हेड कौन है। तो क्या कहेंगे? माय फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। क्या बोलोगे? माय फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। अब तो हु इज़ द हेड ऑफ योर फैमिली, तो माय फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, कि मतलब आपके कितने भाई और बहन हैं, है ना। तो आपके जितने भी वन ब्रदर या वन सिस्टर होगा या नो ब्रदर सिस्टर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जैसे आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, या आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर्स। तो आपके ब्रदर जितने भी होंगे या सिस्टर जितनी भी होंगी, या आई हैव टू सिस्टर एंड नो ब्रदर्स, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन अपनी मम्मा से लर्न करना है। तो हम लोगों ने कौन कौन से थ्री क्वेश्चंस लर्न किए हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, फिर हु इज द हेड ऑफ योर फैमिली, है ना। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको लर्न करना है, वो भी अपनी मम्मा की हेल्प से। ओके, फिर आपको मैम ने एक्शन सॉन्ग करवाया था ना माई फैमिली का, तो आपको वो फैमिली का एक्शन सॉन्ग भी लर्न करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको वो एक्शन सॉन्ग फिर से रिपीट करवा देती हूँ, जिसमें कि आप ये एक्शन सॉन्ग बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाए। ओके, तो चलिए रेडी हो जाते हैं हम लोग एक्शन सॉन्ग करने के लिए। ओके, दिस इज द फादर शॉर्ट एंड स्टाउट, दिस इज द मदर विद द चिल्ड्रन ऑल अबाउट, दिस इज द ब्रदर टॉल यू सी, दिस इज द सिस्टर विद द डॉली ऑन हर नी, दिस इज द बेबी स्टिल टू ग्रो, Here is the family all in the row. तो आपने ये वाली पोयम सीखी है ना एक्शन सॉन्ग, तो इसको फिर से आपको गा के एक्शन के साथ प्रैक्टिस करनी है। ओके, दिस इज द फादर शॉर्ट एंड स्टाउट, दिस इज द मदर विद द चिल्ड्रन ऑल अबाउट, दिस इज द ब्रदर टॉल यू सी, This is the sister with the dolly on her knee. This is the baby still to grow. Here is the family all in the row. है ना? तो ये सॉन्ग आपको अच्छे से एक्शन के साथ लर्न करना है। और नेक्स्ट आपका एक है वर्कशीट, तो आपकी ये वर्कशीट है, ये देखिए, आपको एक ये फैमिली ट्री बनाना है और उस पर अपने फैमिली मेंबर्स की पिक्चर पेस्ट करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें डेट, वर्कशीट नंबर
और आपको होमवर्क मेंशन करना है, ठीक है। और साथ में ये देखिए, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके फैमिली ट्री बना करके आपको पिक्चर पेस्ट करनी है। तो ये है आपका होमवर्क। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।